हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द सम गिवन बिलो। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एपी दी गई है 7 प्लस 10^1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। तो इस सीरीज में हमारे पास फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए लिखते हैं इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस जिसको हम सार्वंतर बोलते हैं डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। यहाँ पर ए टू 10 सही 1/2 माइनस करेंगे 7। तो यहाँ पर हम इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 10 सही 1/2 है, इसका मतलब है 10 जमा 1/2। तो 10 में से हम पहले तो 7 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 3 जमा 1 यानी 3 सही 1/2, और इसका मतलब होगा 3 × 6 = 7/2 यानी 7/2 का आधा होगा, यानी जिसको हम बोलेंगे 3.5 यानी कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 7/2। तो यहाँ पर लास्ट टर्म दी गई है, लास्ट टर्म जिसको हम एल से या फिर ए एन से डिनोट करते हैं वो है 84। जब हमारे पास लास्ट टर्म है तो एस एन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है n/2 × a + l। तो n का मतलब है इस एपी में, इस सीरीज में कुल कितनी टर्म्स हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है an = a + n − 1 × d। तो ए एन दिया है यहाँ पर 84 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस n − 1 × d, डी की वैल्यू है 7/2। तो सबसे पहले हम 7 की साइड चेंज करेंगे, 84 − 7 इक्वल टू n − 1 × 7/2। तो 84 में से 7 माइनस करेंगे, ये होगा 74 इक्वल टू n − 1 × 7/2। तो 7/2 यहाँ पर 2 डिवाइड में है, इधर आकर होगा ये मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर होगा ये डिवाइड में इक्वल टू n − 1। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 7 × 7 11 × 7 = 77, 11 × 2 = 22 बराबर n − 1। तो n की जो वैल्यू होगी 22 + 1 यानी n = 23। यानी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 23। तो नंबर्स ऑफ टर्म्स यानी पदों की कुल संख्या 23 है, यानी n की वैल्यू हमारे पास 23 होगी। तो s 23 की हमने भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 23/2 a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू हमारे पास 84 दी गई है, 23/2 × 84 + 7 ये होगा 91। तो 91 की और 23 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23 × 1 = 23 हासिल 2, 23 × 217 = 207 और प्लस 2 यानी ये होगा 209 यानी 2091। इस एपी का जो सम होगा 23 पदों का योग वो होगा 2093। तो यही आपका आंसर होगा। हमारे पास एस एन होता है n/2 × a + l और ए एन होता है, ए एन यानी ये एल की वैल्यू ही होती है, a + n − 1 × d। एस एन में यहाँ पर एन दिया गया है, ए दिया गया है
और एल दिया गया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए एन। और इस फार्मूले में हमारे पास नीचे वाले फार्मूले में ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और यहाँ पर डी की वैल्यू, यानी यहाँ पर भी डी की वैल्यू है लेकिन इस फार्मूले में डी की वैल्यू नहीं है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यहाँ पर एन कॉमन है, ए भी कॉमन है और एल भी कॉमन है, यानी ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। यदि हमारे पास इस क्वेश्चन में एन के वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, एल यानी ए एन दिया गया है और ए की वैल्यू दी गई है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, यानी ये तीन इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम एन की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा फार्मूला हमारे पास है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसको हम ए एन से किस प्रकार रिलेट करेंगे, एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर एस एन दिया गया है, यहाँ पर इसमें एन ए और डी, एस एन में हमारे पास एन ए और डी दिए गए हैं, ए एन में हमारे पास ए एन, ए एन डी, ए एन और डी, यानी यहाँ पर ये भी कॉमन होंगे। और इस प्रकार हम यदि हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है और ये तीन दिए गए हैं तो इस फार्मूले का यूज करके हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये तीन दिए गए हैं और डी की वैल्यू नहीं है तो इस फार्मूले का यूज करके हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसमें हमारे पास सेकंड पार्ट में सीक्वेंस जो दी गई है, सीरीज दी गई है, दूसरे पार्ट में थर्टी फोर प्लस थर्टी टू प्लस थर्टी प्लस अप टू टेन, यानी इस सीक्वेंस का हमें सम फाइंड आउट करना है। हमारे पास यदि सात जमा आठ जमा नौ जमा दस, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दस जमा नौ जमा आठ जमा सात, यानी इसको हम किसी प्रकार भी चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू नेगेटिव है। यदि हम इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को पीछे से लिखना स्टार्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं गिवन सीक्वेंस, दस जमा, यहाँ पर दो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बारह जमा चौदह जमा सोलह, तो इस प्रकार अप टू थर्टी फोर। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमें फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू टेन, डी की वैल्यू होगी बारह माइनस दस दो, और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमें ए एन की वैल्यू दी गई है, यानी लास्ट टर्म हमारे पास है थर्टी फोर। तो इस फार्मूले का यूज करके हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू थर्टी फोर, ए की वैल्यू हमारे पास दस है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास दो है इक्वल टू थर्टी फोर। तो n माइनस वन इंटू टू इक्वल टू थर्टी फोर माइनस टेन, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू टू है, ये होगा ट्वेंटी फोर। एन माइनस वन इक्वल टू ट्वेंटी फोर बाई टू, एन माइनस वन इक्वल टू, ये होगा ट्वेल्व, बारह दूनी चौबीस होता है, n इक्वल टू ट्वेल्व प्लस वन विच इज इक्वल टू थर्टीन, यानी इस ए पी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तेरह है, कुल पदों की संख्या इस एपी में तेरह है। तो एस एन हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें एस थर्टीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।
n बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस एल की वैल्यू हमारे पास 34, 13/2 गुणा 34 और 10 हो गए 44, 13 गुणा इसको हम कैंसिल करेंगे 22 × 44, 13 × 22 यानी ये होगा 13 × 26 हासिल 2, 13 × 26 और 2 28, यानी इस सीक्वेंस के, इस सीरीज के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होगा वो होगा 286, यानी S13। इसका मतलब है AP के 13 पदों का योग वो होगा 186, यही आपका सॉरी यहाँ पर होगा ये 286, यही आपका आंसर होगा। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास सीरीज दी गई है, वो है -5 प्लस -8 प्लस -11, तो इस प्रकार हमारे पास अप टू -230 तक ये सीरीज दी गई है। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू -230 230 तक, यानी यहाँ से इस सीरीज की हमें, इस सीरीज का हमें योग फाइंड आउट करना है। एक ही वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म यहाँ -5, ए टू है यहाँ पर -8, तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होगी a2 माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास -5, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे -8, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, -8 प्लस 5 ये होगा -3, यानी कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास -3। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए ए एन की वैल्यू हमारे पास दी गई है -230। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -230। ए की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू -3, इसको हमने इस प्रकार नहीं लिखना, यहाँ पर नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो ब्रैकेट आप लगा भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि ये कन्फर्म है कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का जो सिंबल है वो नहीं लगाएंगे। तो -5 की साइड चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस -230 प्लस 5 एन माइनस वन इंटू -3, ये होगा -225 एन माइनस वन इक्वल टू -225। एन माइनस वन के साथ -3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर ये पूरा का पूरा सिंबल के साथ डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 2 और 2 4 और 5 9, जो भी संख्या जिनका सम 3 से डिवाइड होता है इनका सम होगा 9, तो ये 3 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, तो n माइनस वन इक्वल टू, तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 3 × 7 = 21, बच गया 1, 5 × 3 = 15, n माइनस वन इक्वल टू 75 होगा, तो n इक्वल टू 75 + 1 विच इज इक्वल टू 76, यानी इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं यानी पदों की कुल संख्या 76 होगी। तो आगे हम इसका SN यानी सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो S हमने, S क्षेत्र की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, SN इक्वल टू N बाय 2 इंटू A प्लस L, S क्षेत्र इक्वल टू 76/2 इंटू A प्लस L, A की वैल्यू -5 प्लस एल की वैल्यू -230,
एल की वैल्यू माइनस 230, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो सिंबल एक साथ नहीं हो सकते, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। 38 × 76 माइनस 5 माइनस 230, यह होगा माइनस 235। तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे और वही आपका आंसर होगा। तो एस 76, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी और वो आपका फिर आंसर होगा। तो एस 76 यानी इस एपी के 76 पदों का योग होगा, वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इसकी आप गुणा करोगे। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें 10 पार्ट्स दिए गए हैं। इन द एपी फर्स्ट पार्ट में हमें ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 एंड ए एन इक्वल टू 50, तो फाइंड हमें जो ज्ञात करना है एन और एस एन हमें, ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एन की वैल्यू जो भी आएगी वो हम एस एन में पुट करेंगे, यानी एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एस एन इक्वल टू ए प्लस एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो हमें यहाँ पर एल की वैल्यू यानी ए एन की वैल्यू दी गई है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। सेकंड पार्ट में हमें ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35, डी और एस 13 हमें ज्ञात करना है। ए पी का 13वां पद 35 दिया गया है, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 12d विच इज इक्वल टू 35। ए पी के 13वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d, a की वैल्यू 7 है, प्लस 12d बराबर 35। तो 12d बराबर 35 माइनस 7, 12d बराबर 35 में से 7 माइनस करेंगे ये होगा 28, तो d की वैल्यू होगी 28/12, d इक्वल टू इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, यानी d की वैल्यू होगी हमारे पास 7/3। तो इसको हम ये तो होगी हमारे पास d की वैल्यू 7/3। एस 13 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एस 13 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। यदि हमें इस ए पी का लास्ट टर्म दी गई है, यहाँ पर एस 13 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर ए 13 दिया गया है, यानी ए प्लस ए एन लिख सकते हैं, या फिर इसको हम एल भी लिख सकते हैं। तो एस 13 इक्वल टू 13/2 इंटू ए प्लस एल, ए की वैल्यू 7 है, प्लस ए एन यानी एल, ए एन यानी ए 13 की जो वैल्यू होगी वो होगी 35, ये क्वेश्चन में दी गई है, 13/2 इंटू 35 और 7 ये होगा 42, इसको हम कैंसिल करेंगे, 21 × 42, 13 × 21, 13 × 1 = 13, हासिल 1, 13 × 2 = 26 और 1 = 27, यानी इस एपी के 13 पदों का योग होगा 273, यही आपका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें थर्ड पार्ट में जो गिवन है ए 12 इक्वल टू 37,
डी इक्वल टू 3, और फाइंड आउट करनी है हमें ए और h12 की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी एपी का पहला पद और एपी के 12 पदों का योग हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ए 12 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 11d, जो क्वेश्चन में दिया गया है 37। ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसको हम ए ही लिखेंगे। 11 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 3, इक्वल टू 37। ए प्लस 11 गुणा 3 33, इक्वल टू 37। ए इक्वल टू 37 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 4। यानी ए की जो वैल्यू होगी, ए पी का फर्स्ट टर्म होगी, वो होगी 4। तो एस 12 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन एस 12 की वैल्यू के लिए हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, जो एस के फुट में होता है, पैर में होता है, वही हमारा एन होता है, एस एन यानी एस 12। तो एन की जो वैल्यू होगी वो होगी 12। तो एस 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n बाई टू एन इक्वल टू 12 इंटू ए प्लस एल। एल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी नहीं गई, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो एल होता है वो होता है लास्ट टर्म। यानी इस एपी में कुल कितने पद हैं, इस एपी में 12 पद हैं, यानी इस एपी का 12वां पद ही हमारा लास्ट टर्म होगा, जो क्वेश्चन में 37 दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 12, इसको हम पहले फार्मूले के रूप में लिखते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। तो एस 12 इक्वल टू 12 बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट की, ए एन जो ए 12 है वो है 37। तो एस 12 इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करेंगे, ये होगा 6, 37 और 4 ये होगा 41, 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी 240, यही आपका आंसर। एस 12 की जो वैल्यू होगी वो होगी 240, यानी ए पी के 12 पदों का योग होगा 240। चौथे पार्ट में हमारे पास है ए 3 इक्वल टू 15, एस 10 इक्वल टू 125, और हमें दिया गया है, और कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन हमें डी और ए 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ए पी का 10वां पद और सार्वंतर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ना तो हमें ए की वैल्यू दी, इसको हम लिखेंगे ए प्लस 2d विच इज इक्वल टू 15। यहाँ पर ए क्वेश्चन में दिया नहीं गया, डी ये भी क्वेश्चन में दिया नहीं गया, लेकिन हमें एस एन दिया गया है, तो इसको हम इसके पैरेलल ही सॉल्व करेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 होगा 9 इंटू डी। एस 10 ये होगा 5, 2a प्लस 9d। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, इसको भी हम पुट कर लेते हैं, 125। तो जब हम 5 को इस तरफ लेकर आते हैं, साइड चेंज करेंगे, तो ये डिवाइड में होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम डिवाइड में लेकर आते हैं, तो ये होगा 25 × 125 बराबर 2a प्लस 9d। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल टू 15, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25।
यानी इस क्वेश्चन को हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करके माइनस टू डी जो ए की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन वन, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन टू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन वन टू द इक्वेशन सेकंड, समीकरण एक में से ए का मान समीकरण दो में रखने पर 25 बराबर 2a, ए की वैल्यू 15 माइनस 2d प्लस 9d 25 बराबर दो के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये होगा 30, दो दूनी 4d प्लस 9d 25 बराबर 30, ये 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5d, तो 5d की हम साइड चेंज करते हैं तो ये होगा प्लस 30, 25 की साइड चेंज करते हैं तो ये होगा माइनस 5d बराबर 5, तो d की वैल्यू होगी 5/5 यानी 1, d इक्वल टू 1 यानी कॉमन डिफरेंस होगा जो वो होगा 1, तो ये तो हमारा हुआ 1। a tan की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a tan की वैल्यू के लिए हम पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, d का मान समीकरण एक में रखने पर d के स्थान पर हम 1 पुट करेंगे, 15 माइनस 2 एकम 2 तो a इक्वल टू 13। ए पी का पहला पद होगा वो होगा 13, तो a tan की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है a प्लस 9d, a tan इक्वल टू a प्लस 9d, d की वैल्यू 1 तो 9 एकम 9 13 और 9 ये होगा 22। ए पी का दसवां पद, ए एन का मतलब है ए पी का दसवां पद जो होगा 22, ये हमारा आंसर है जो हमें ए टेन की वैल्यू पूछी गई थी, और ये भी हमारा आंसर है डी इक्वल टू 1। एस एन का मतलब है ए पी के एन पदों का योग, ए एन का मतलब है ए पी का एनवा पद, जैसे हमें लिखा एस टेन ए पी के 10 पदों का योग, हमने लिखा ए टेन ए पी का दसवां पद, ये जोड़ है और ये ए पी का दसवां पद है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो दिया गया है डी इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस यानी सारव अंतर 5 दिया गया है। एस 9 ए पी के एन पदों का योग 75 दिया गया है, तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो ए और ए 9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन हम जानते हैं एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप देखोगे ए एन के लिए हमें ना तो ए एन दिया गया है, ना ही a दिया गया है, ना ही d दिया गया है, लेकिन हमें n की वैल्यू दी गई है जो है हमारे पास 9। ए के पैरों में और एस के पैरों में जो भी लिखा होता है वही हमारा एन होता है, तो ए एन यानी हमें ए 9 ए प्लस 9 माइनस 1 8d, लेकिन हमें ए की वैल्यू नहीं दी गई लेकिन डी की वैल्यू दी गई है ए प्लस 8d, डी की वैल्यू 5। ए 9 इक्वल टू ए प्लस 8×5=40, ए 9 इक्वल टू ए प्लस 40 होगा। एस एन में हम लिखेंगे एस 9 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं
एस एन इक्वल टू ए प्लस एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एल यानी ए एन होता है, तो ए एन यहाँ पर एन की वैल्यू 9 है तो यहाँ भी एन की वैल्यू 9 होगी, ए 9 हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ए एन की वैल्यू हमारे पास है 1 जमा 40, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। एस एन इक्वल टू एस 9 9 बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ए एन की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस 40। एस 9 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 75, 9 बाई टू इंटू ए प्लस ए टू ए प्लस 40, तो इसकी हम साइड चेंज करते हैं तो ये होगा 75 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a+40। तो यहाँ से हम दो कॉमन ले सकते हैं, ये होगा 20, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 75 ये होगा 3 से कैंसिल, 3 * 3 = 9, 25 * 3 = 75, 25/3 बराबर a+20, तो a की वैल्यू होगी, इसकी साइड चेंज करेंगे 25/3 - 20, 20 * 3 = 60, 25 - 60/3 इक्वल टू ए, तो जो ए की वैल्यू होगी वो होगी -60 और प्लस 25, ये होगा -35/3, तो यही हमारी ए की वैल्यू होगी, और ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ए की वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, -35/3 + 40 -35, इसको हम लिखेंगे -35 + 120/3, 120 में से -35 ही होगा, 120 में से हम 35 माइनस करेंगे तो ये होगा, 120 में से 30 माइनस करेंगे 90, फिर 5 माइनस करेंगे यानी 85/3। ए पी का 9वां पद होगा यानी ए 9 की जो वैल्यू होगी वो होगी 85/3, तो ये एक तो ये वैल्यू पूछी गई थी और एक ए की वैल्यू पूछी गई थी, यही दोनों हमारे आंसर होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, 6th पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं a = 2, d = 8, Sn = 90, n और an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ना तो हमें n की वैल्यू का पता और ना ही an की वैल्यू का पता, लेकिन हमें a और d दिए गए हैं। Sn की वैल्यू हम जानते हैं n/2 (2a+n-1)(d), या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें ए एन फाइंड आउट करना है इक्वल टू 90 है, तो एन इंटू इसको हम लिख सकते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं 2 a + n-1 (d), डी की वैल्यू हम हमारे पास 8 दी गई है, 2 × 4 प्लस 9 8 ये होगा 8n-8 इक्वल टू 90, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, यह हम पहले इसकी साइड चेंज करते हैं, ये होगा 8n
माइनस आठ और जमा चार, ये होगा माइनस फोर इक्वल टू 90 इंटू टू। तो यहाँ पर हमारे पास n पहले से ही है, 2 हम मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, ये होगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, n की मल्टीप्लाई अंदर करवाते हैं तो ये होगा 180। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आती है माइनस 180 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर 4 कॉमन भी आता है, तो 4 कॉमन लेने पर ये होगा 2n स्क्वायर माइनस 2n, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2n माइनस 90 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है जो आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ चुके हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 180, ये साइन और ये साइन दोनों अलग अलग हैं तो दो डिफरेंस होना चाहिए। 180 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस दो हो, तो ये होगा, हम इसको करते हैं 90, फिर 2, ये होगा 45, फिर 3 पर डिवाइड होगा ये होगा 15, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 15 का अंतर 2 नहीं होगा, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं 5। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 4, तो 4 की मल्टीप्लाई हम 90 के साथ करते हैं, ये होगा 360। अब हमने इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट 360 हो और डिफरेंस 2 हो, 4 से डिवाइड करेंगे ये होगा 90, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से कर लेते हैं 30, फिर 2 से करते हैं 15, 4 तीन 12, 12 दूनी 24, 3 से फिर करते हैं 5 दूनी 10, 10 तीन 30 नहीं होगा, 4 तीन 12, 4 तीन 12 नहीं होगा, 3 दूनी 6 तीन 18 और 5 चौके 20, 18 और 20 की मल्टीप्लाई 360 होगी और इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इसको जब हम माइनस लेते हैं और इसको प्लस लेते हैं तो हमारे पास माइनस 2 होगा, 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 4n कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 5 प्लस, यहाँ से हम 18 कॉमन लेंगे, n माइनस 18 पंजे 90 इक्वल टू 0, n माइनस 5, यहाँ से हम n माइनस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ होगा 4n प्लस 18 इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर 4n प्लस 18 इक्वल टू 0। तो n की जो वैल्यू यहाँ से होगी माइनस 18 बाई 4, n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो n इक्वल टू यहाँ से होगा हमारे पास 5, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं 5। तो s n की जो वैल्यू दी गई थी वो 90 दी गई थी, एस एन हम जानते हैं एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर ए और डी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, तो इनको हम पुट करते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले हम पढ़ चुके हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 360, तो 360 के हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 2 आता हो, तो 2 के लिए हम 20 और 18 लेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन जब होगा जब 20 को नेगेटिव लेंगे और 18 को पॉजिटिव लेंगे, माइनस 20 प्लस 18 ये होगा माइनस 2। तो इस प्रकार हम
यहाँ से 4n कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा n माइनस 4 पंजे 20 और n हमने कॉमन लिया बाहर, तो ये होगा 18 कॉमन लिया हमने यहाँ पर, यहाँ बचेगा n 18 पंजे 90। n माइनस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा n माइनस n प्लस 18 इक्वल टू 0। तो जब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल हैं तो या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू 5 होगी, यहाँ से n की वैल्यू माइनस 18/4, यानी n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू हम लेंगे 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स वो हैं 5, पदों की संख्या इस एपी में 5 होगी। तो n की वैल्यू तो हमारे पास 5 होगी, n ए एन भी हमें फाइंड आउट करना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए फाइव हमें फाइंड आउट करना होगा, ए प्लस ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस वन यानी 5 में से एक माइनस करेंगे 4, डी की वैल्यू 8 है, 8 चौके 32 और 2 34, यानी इस एपी का पांचवा पद 34 होगा, यही हमारा आंसर। और एन की वैल्यू हमारे पास 5। तो ये दो वैल्यू हुई आपसे पूछी गई थी कि इस एपी में कुल कितने पद हैं और इस एपी का पांचवा पद क्या होगा, तो ये हमारे पास 5, ये हमारे पास होगा 34। तो इस प्रकार हम एस एन और ए एन के फार्मूले का यूज करके किसी भी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या वो एन की वैल्यू पूछी गई हो, या फिर ए की वैल्यू पूछी गई हो, या फिर डी की वैल्यू पूछी गई हो, ये दोनों फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6 पार्ट तो ये थे और 3 वो, यानी 9 पार्ट हम टोटल कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो बचे हुए पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे।